अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड पहले T20 मैच की बात करें तो कहीं ना कहीं इस मैच में जीत जो है वो एट द एंड आयरलैंड को मिली है, लेकिन टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया। जी हाँ, टॉस भले ही उन्होंने जीता हो लेकिन रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं गए, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। एंड शुरू के 10 ओवर की बात करें तो वो किस तरह से रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, कहाँ पर उसके बाद गलतियाँ हुई? बिल्कुल, शुरू के 10 ओवर की बात करें तो देखिए शुरुआत काफ़ी बेहतर हुई, 78/2 10 ओवर के बाद ये स्कोर कहीं ना कहीं था अफगानिस्तान का। और जिस तरीके से रहमानुल्लाह गुरबाज ने शॉट दिया, उसके बाद आप कहें 26 रन की पारी उन्होंने खेली, उस्मान घनी उन्होंने चौथी 50 अपनी लगाई करियर की, 56 रन बनाकर वो आउट हुए हैं। 10 ओवर में 78/2 थे, शुरुआत काफ़ी बेहतर हुई थी, उम्मीद थी कि जो स्कोर है उससे कई गुना ज़्यादा स्कोर मिलता, शुरू के मुकाबले 10 ओवर में 78/2 थे। बिल्कुल जी हाँ, कहीं ना कहीं इसके बाद सेकंड हाफ की बात करें तो जो सेकंड हाफ था यानी अफगानिस्तान की इनिंग के जो बाद के 10 ओवर थे वहीं पर सारा मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आया। एकदम से टीम के 3-4 विकेट गिरे और वहां पर कहीं ना कहीं जो बड़े स्कोर की तरफ टीम जा सकती थी, 180-185 तक जा सकती थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और पूरी की पूरी टीम जो है वो उससे कम स्कोर पर कहीं ना कहीं रुक गई। एंड सेकंड 10 ओवर किस तरह से रहे? बिल्कुल, सेकंड फेज की बात करें, जी हाँ, पहले फेज में 78 आए, 2 विकेट गिरे, पर सेकंड फेज में 10 ओवर में देखे 11/20 में तो यहाँ सब पलट गया, 90 रन बने और 5 विकेट गिरे हैं। यहाँ पर रन जरूर बने हैं, अच्छा 9 रन के रन रेट से पर 5 विकेट भी गंवाए हैं। हशमतुल्ला साहिदी वो भी आउट हुए, नजीबुल्ला जात्रा नबी वो भी आउट हुए, यहाँ पर उस्मान घनी भी इसी बीच में आउट हुए, पर जाते जाते थोड़ी फिनिश जरूर किया इब्राहिम जात्रान ने, जिन्होंने 29 रन की पारी खेली, थोड़ी सी तेज तरार छक्के भी लगाए, तो वहाँ पर 168 रन 7 विकेट के नुकसान पे अफगानिस्तान पहुँचा पहली अपनी पहले बैटिंग करते हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 10 ओवर में 78 रन थे तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद अगले 10 ओवर में सिर्फ 9 के रन रेट से रन आए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले सिर्फ 12 ही रन आपने ज़्यादा मारे हैं सेकंड फेज में, T20I मोड पे आपको विकेट भी आपने गंवाया, उसी वजह से कहीं ना कहीं ये रन्स आए। मैं आपको बताऊँ जो लास्ट के 10 ओवर हैं उसमें से सिर्फ जो आखिरी ओवर है उस आखिरी ओवर में 21 रन आए हैं। बिल्कुल, और उसके अलावा आप देखिए सिर्फ 45-46 रन यानी 47 रन टीम मारने में कामयाब हुई है 9 ओवर में सेकंड हाफ में अपने। तो कहीं ना कहीं यहीं पर वो हाफ था जहां पर अफगानिस्तान ने मैच अपना गवा दिया। बॉलिंग डिपार्टमेंट आयरलैंड की किस तरह से रही है, टाइट रखने में कौन कामयाब हुआ? बिल्कुल, देखिए बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत अच्छा किया है, बैनी मैकेर्थी ने भी 3 विकेट लिए हैं 34 रन देकर, यहाँ पर डिलानी ने भी बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, पर डॉकरेल ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई है, 2 ओवर में 7 रन 2 विकेट निकाले हैं उन्होंने, बहुत बेहद ही शानदार है। और बाकी मार्केट है, जोशुआ लिटिल ने इतनी बेहतर हुई नहीं, पेसरों से बॉलिंग थोड़ा एक्सपेंसिव साबित हुए, मैकबरीन से भी इतनी अच्छी नहीं हुई, पर फिर भी इन तीनों की हेल्प से टीम ने 168 पर रोक दिया अफगानिस्तान को, जहां 180-185 जा रहा था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 168 पे जब रोका तो पूरी तरह से गेटेबल टारगेट ये था, इसमें कोई दोराय नहीं है। 175-180 के आसपास का एवरेज टोटल आप इस ग्राउंड पे कह सकते हैं, जो कि इससे पहले भी हमने देखा। तो उस हिसाब से जब आयरलैंड चेस करने के लिए उतरा है तो उनका चेस कैसा रहा? अफगानिस्तान के शुरू के 10 ओवर में 78/2 विकेट आपने कहे, आयरलैंड का इसके जवाब में शुरू के 10 ओवर में क्या स्कोर था और विकेट कितने थे? बिल्कुल, और 10 ओवर में यहाँ पर बहुत बेहतरीन शुरुआत आयरलैंड ने की चेस करते हुए, जिस तरीके की शुरुआत की जरूरत थी चेस के वक्त, 80 रन उन्होंने बनाए हैं इस 10 ओवर में और 1 विकेट खाली उनका गिरा है पॉल स्टर्लिंग के रूप में, तो 2 रन ज्यादा और 1 विकेट कम। बिल्कुल सही, तो बहुत फायदा हुआ उन्हें इसका कि एक पार्टनरशिप मिली, एक्सपीरियंस प्लेयर वहां पर थे बेलबरीन और आपके स्टर्लिंग के बीच पार्टनरशिप हुई, 30 रन उन्होंने मारे स्टर्लिंग ने और 80 रन पर 1/10 ओवर में अफगानिस्तान से लीड जरूर ले ली। बिल्कुल, तो 10 ओवर में ही शुरू में कहीं ना कहीं आयरलैंड ने लीड ले ली, 2 रन उनसे ज्यादा थे, 1 विकेट उनसे कम गिरा था। उसके बाद सेकंड 10 ओवर में ऐसा क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो मैच है वो लास्ट ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट बॉल तक गया, लास्ट बॉल तक चला गया, 19.5 ओवर में चेज हो गया, या फिर आयरलैंड खुद से आराम से लेकर जा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान बॉलर्स ने वापसी करने की कोशिश की? नहीं, जरूर कोशिश जरूर की है, खासकर स्पिनर जैसे हम जानते हैं थोड़े इफेक्टिव रहते हैं अफगानिस्तान के स्पिनर, क्लास
स्पिनर हैं, तो किसी भी पिच पर वो बेहतरीन बॉलिंग करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनमें दम ज़रूर है और वो दिखाया भी है, उन्हीं की वजह से ये मैच थोड़ा एंड तक पहुँचा है, वरना पेसरों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी इस मैच में अफगानिस्तान के, बहुत ही पुअर बॉलिंग हुई है। अब बात के हम चेस को देखें, अगर 11 से 20 ओवर के चेस को 19.5 तक मैच पहुँचा, 91 रन बने हैं इसमें, शुरुआत से भी कई गुना ज़्यादा, और विकेट दो गिरे हैं जी, यहाँ पर तेज होना ही था यहाँ पर, और पहले खत्म हो जरूर सकता था लेकिन स्पिनर की वजह से नहीं हो पाया। पेसरों ने तो काफ़ी रन उठाए, फारूकी हो, उमर जई हो, आपके नवीन उल हक हो, तीनों पेसरों ने बहुत ही पुअर बॉलिंग कराई। बिल्कुल, और लास्ट ओवर में 13 रन डिफेंड करने थे फारूकी को, वहां पर उन्होंने 5 बॉल में ही वो सारे रन कहीं ना कहीं दे दिए, तो खैर, और ऊपर से एक्स्ट्रा भी रन दिए हैं क्योंकि 171 तक टीम पहुंच गई। खैर, यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, यान राशिद खान जो है वो अमूमन T20 मैचेस में देखने को मिलता है कि 10 ओवर के बाद उन्हें टीम लगाती है, लेकिन यहाँ पर 13वें ओवर तक राशिद खान के 3 ओवर कंप्लीट हो चुके थे, यही प्रेशर था जो पॉल स्टेरलिंग बेलबरी ने बनाया था कि राशिद खान को वो जबरदस्ती पैदल लाना पड़ा ताकि विकेट मिल सके, लेकिन उसमें टीम नाकामयाब रही। बॉलिंग डिपार्टमेंट एंड अफगानिस्तान का क्या कहता है? बिल्कुल, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बहुत अच्छी, जरूर इतनी बेहतर नहीं हुई है, वरना ये चेज नहीं होता है टारगेट, क्योंकि बैट्समैन की तरफ से भी स्कोर थोड़ा सा मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था, पिच बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। राशिद ने 4 ओवर 25 रन दिए, कोई विकेट नहीं, मुजीब ने 1 विकेट लिया और नबी ने भी 3 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिया है, और पेसरों की तो बात ही मत करिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जैसे हमने आपसे कहा कि अफगानिस्तान ने सेकंड फेस में यानी अपनी बैटिंग के 11वें ओवर से 19वें ओवर के बीच में ये मैच गंवाया है, वो जो वक्त है 8-9 ओवर का वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट है अफगानिस्तान की हार के लिए और आयरलैंड की जीत के लिए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा इस मैच में गढ़ा गया है और कंफर्टेबल 7 विकेट विन ये आयरलैंड को मिला है। आपको बता दें आयरलैंड और अफगानिस्तान अब तक 19 मैचों इस मैच को मिलाकर 19 T20 मैचेस में फिर चुके हैं और उसमें ये आयरलैंड की 4थी जीत है अफगानिस्तान के खिलाफ। क्या कहेंगे आयन, आपके हिसाब से स्टार प्लेयर कौन से रहे हैं इस पूरी मैच के? बिल्कुल, देखिए स्टार प्लेयर तो काफी टीम यूनिट यूनाइट परफॉर्म किया है, बेलबरी ने, लॉर्कन टकर ने, पर डॉकरेल ने जिस तरीके से की है एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस की, 10 रन भी मारे उन्होंने, 2 विकेट भी निकाले हैं, पर एक टीम परफॉर्मेंस है पूरी मिलाकर बेहतरीन। आयरलैंड इस वक्त खेल रही है पर जीत नहीं पा रही थी, अब जाकर वो लाइन भी क्रॉस किया उन्होंने कि उन्होंने मैच जीता, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और कॉम्पिटिशन देखने को मिले। बिल्कुल, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको बेहतर तरीके से पूरे मैच को समझाने की हमने कोशिश की कि आखिर शुरू से लेकर एंड तक ये मैच किस किस तरह से घटा है। फटाफट प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही।